परिवार पहचान पत्र के बाद प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़ी है और ऐसे राशन कार्ड भी बढ़े हैं जिनको सरकार की तरफ से पीडीएस यानी सरकारी डिपो पर जो राशन और खाद्य सामग्री मिलती है ऐसे परिवार की संख्या जब अधिक हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में ऐसे करीब 39 लाख परिवार अब तक चिन्हित हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार की बात की जाए तो वहां से जो अनाज की एलोकेशन है वो करीब 32 लाख परिवारों की है। तो ऐसे में डिपो होल्डर्स जो अपने डिपो पर खाद्य सामग्री की कटौती का सामना कर रहे हैं उन्होंने ये बैनर प्रिंट करवाए हैं ताकि वो अपने राशन डिपो पर लगवा सकें, क्योंकि जिस तरह से ये कटौती हुई है उसका सीधा असर राशन लेने वाले परिवारों पर पड़ेगा और करीब करीब 5 से 6 लाख परिवार राशन से वंचित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि राशन डिपो पर लगने वाले बैनर में बताया गया है कि 18% गेहूं और 24% बाजरा, इसकी एलोकेशन में कमी की गई है केंद्र की तरफ से। तो ऐसे में दिक्कतें जो हैं वो डिपो होल्डरों की भी बढ़ने वाली है। हमारे साथ डिपो होल्डर से हमसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ विषय है आज का, ये बैनर्स लगाने की क्यों नौबत पड़ी? देखिए जी, कई महीनों से लगातार जो है एलोकेशन में कटौती होती आ रही है, 12% 18% ऐसे, जैसे इस महीने भी दिसंबर माह में 18% गेहूं पे और 24% बाजरे पे कटौती होती आ रही है, जैसे लगभग 3-4 महीनों से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब हमारे घरोंडे ब्लॉक की बात करें तो 8 से 10 हज़ार परिवार जो हैं जो इसका लाभ उठाते हैं वो वंचित रह जाएंगे। तो इसका जो सामना करना पड़ता है वो डिपो होल्डरों को करना पड़ता है, लेकिन ये समस्या का समाधान तो सरकार ही करेगी। अब हमारी मांग ये है कि भाई इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि जो ये समस्या डिपो होल्डरों के सामने आती है उससे हम निजात पा सके और अच्छे तरीके से राशन वितरण कर सके। अब राशन वितरण करते हैं उसके साथ साथ ये जो समस्याएं आती हैं तो हम बहुत ही उलझन में पड़ जाते हैं। तो हम सीधी आसान भाषा में यदि समझा जाए 18% और 24% की ये कटौती की गई है, क्या इतने परिवारों को राशन कम मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल जी, ये जो है राशन बिल्कुल कम मिलेगा, क्योंकि अब हमारे डिपो पर जो एलोकेशन के हिसाब से सामग्री आनी चाहिए थी वो तो आई नहीं, हमारी तो कम आई है। जो हमारे राशन कार्ड है वो ज़्यादा है, तो जितने को हम दे पाएंगे उतने को बिल्कुल सुविधाजनक उनको देंगे। आपके राशन डिपो से कितने राशन कार्ड जुड़े हुए? मेरे डिपो फिर राशन 456 राशन कार्ड है, और जिसको मैं पिछले महीने 11 महीने में जो मैंने राशन बांटा था उस दौरान कम से कम 180 राशन कार्ड ऐसे रह गए थे जिसको राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नहीं जी बिल्कुल कुछ, खाली अलावा तेल से अलावा और चीनी से अलावा और उनको गेहूँ और नहीं मिले। वजह क्या है? वजह है कि सरकार ने पिछले महीने भी कम से कम 11 से 12% का कट दिया था और अब की बार 24% बाजरे का और 18% गेहूँ का कट दिया है। ठीक है, इसलिए बार कितने राशन कार्ड रहेंगे? अब की बार कम से कम इस हिसाब से लगाए तो कम से कम 200+ राशन कार्ड पहुंच जाना चाहिए, 40% हो जाएगा। बिल्कुल जी, आपके राशन पे डिपो पे कितने हैं? मेरे पास जी 185 राशन कार्ड है, पिछली बार मैंने 38 क्विंटल गेहूँ आया था उसमें भी रह गए थे, अब की बार मेरे को 24 ही क्विंटल मिला है, तो बाजरा और गेहूँ दोनों मिला है जी, 12 क्विंटल कनक और 12 ही क्विंटल बाजरा, अभी 14 क्विंटल कम है मेरे पास, छोटा है डिपो होल्डर है मेरा जी। बैनर से क्या होएगा? ये लोगों का लड़ाई झगड़े से देख लेंगे, देख लो सरकार से मिलो आप, हम क्या कर सकते हैं इसमें, लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ होगा जी, लड़ाई झगड़ा पूरा करे जी, वो कहे भाई क्यों नहीं देंगे, हमारा राशन कहाँ गया, हम कहाँ से देंगे जी, जब हमारे पास आएगा ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे जी, ये है जी हमारी समस्या। तो 14 क्विंटल एक छोटा हा डिपो हो जाए, मेरे पास 185 कार्ड है लगभग, उस पर ही 14 क्विंटल कम है जी, और बड़े बड़े वो तो बहुत ज्यादा कम है इसमें जी हमारी। आपके डिपो पे कितने हैं जी? मेरे 1880 यूनिट है जी, तो अब की बार जैसे कटौती है कम से कम 1400 को ही मिल पाएगा, 480 लगभग यूनिट रह जाएंगे, 300-400 यूनिट जी बिल्कुल। तो परिवार शिकायत नहीं करेंगे? परिवार शिकायत करेंगे तभी तो हम इकट्ठे हुए हैं जी, तो राशन देना तो सरकार का काम है, हमें तो बस ये है भाई लोगों को समझाए सरकार, भाई कम रहेगी तो डिपो होल्डर की तो इसमें कोई गलती नहीं है, सरकार करेगी इसका। लोगों से भी अपील है भाई, सरकार से मांगे, हमारे से नहीं मांगे, जितना हमारे पास आएगा उतना हम देंगे इतना। तो बिल्कुल देखिए, पीडीएस के तहत जिन परिवारों को सरकारी डिपो से राशन मिलता है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बैनर प्रिंट करवाए गए हैं ये साफ इशारा कर रहे हैं कि अब की बार राशन डिपो पर
करीब 24% परिवारों को राशन नहीं मिलेगा, राशन से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि एलोकेशन में जिस तरह से कटौती की गई है उसका सीधा असर डिपो होल्डर्स के साथ साथ राशन उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। कोई समझदार होगा, पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। कटौती है या आलू कैसे मिलता नहीं।